पहले अंडा या पहले मुर्गी? ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद सालों से कोई नहीं दे पाया है। उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, अगर मैं बिजनेस टर्म्स में बात करती हूं, कि पहले सेल्स या पहले सेल्स टीम? यस, पहले सेल्स या पहले सेल्स टीम। ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी जल्दी मेरे पास आता है कि मैम हम लोग अभी आज के डेट में टीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारा इतना टर्नओवर नहीं है, हमारा इतना सेल्स नहीं है, फिर किस तरीके से जो है मैं सेल्स टीम रख सकता हूं करके। सो व्हाट टू डू, वेदर क्या हम पहले बिजनेस आने दें या हम सेल्स टीम पहले रखें। सो फॉर दोज हु आर हैविंग दिस क्वेश्चन इन माइंड, जिनको भी ये क्वेश्चन माइंड के अंदर है, उनके लिए मेरा जवाब है डेफिनेटली, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पेयर योर टाइम, अगर आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हो सेल्स टीम पे, तब तो जरूर आपको सेल्स टीम रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है सेल्स आपका कोर एरिया नहीं है, आपका ऑपरेशंस जो है कोर एरिया है, सेल्स कोर एरिया नहीं है, यू नीड टू हैव सेल्स टीम। बजाय इसके कि कोई पॉइंट नहीं है कि सेल्स जो है आपकी कम है, आपका रेवेन्यू उस लेवल पे नहीं है, फाइन, दैट इज द थिंग। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कोचिंग के थ्रू, वन ऑन वन कोचिंग के थ्रू मेरे पास आता है कि मैम आज की डेट में मैं सेल्स टीम अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मेरा बिजनेस उस लेवल पे नहीं है। बट जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक दिन के अंदर कितना टाइम सेल्स पे देते हैं, कितना टाइम प्रोस्पेक्टिंग पे देते हैं, दे आर सेइंग नो, वी आर नॉट गिविंग देम। सो दैट मीन्स हम लोग जो है मेजर हमारा टाइम जो है ऑपरेशंस में जा रहा है। हमारा टाइम अगर मेजर ऑपरेशंस में जाएगा, सेल्स टीम नहीं होगी, हम सेल्स पे फोकस करने नहीं जाए करेंगे, देन डेफिनेटली गिव मी एन आंसर, हु विल डू द सेल्स? यस, हु विल डू द सेल्स, देन दैट इज द आंसर जिसपे आपको काम करना है। मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल अगर शेयर करूं, एंड ये आपको शायद प्रैक्टिकल लगेगा और ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैंने अपने कोचिंग बिजनेस के अंदर या ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर उस टाइम पर सेल्स टीम रखी थी, फाइन, उस टाइम पर सेल्स टीम रखी थी, उस टाइम पर टीम रखी थी जो मेरे बिहाफ पे प्रोस्पेक्टिंग कर सके, जो मेरे बिहाफ पे कोल्ड कॉलिंग कर सके, जब मैं अपने बिजनेस को जो है बिजनेस का जो मेरा रेवेन्यू बहुत अच्छा नहीं था, जब मैं अपने बिजनेस से जो अपने जो एक्सपेंसेस हैं, फाइन, जो अपने एक्सपेंसेस हैं इस बिजनेस के थ्रू मैं खुद से नहीं निकाल पा रही थी, उस टाइम पर वी हैड आर सेल्स टीम, एंड थैंक्स टू दैट डिसीजन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम प्राउड ऑफ दैट डिसीजन। उस टाइम पर जब मेरे पास भी फाइनेंशियल तंगी थी कुछ साल पहले, फाइन, व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, बट आई थॉट आई वाज वेरी मच क्लियर कि अगर बिजनेस बढ़ाना है तो सेल्स टीम चाहिए, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो सेल्स तो करनी ही पड़ेगी, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो प्रोस्पेक्टिंग कौन करेगा। और अगर आपके बिजनेस के अंदर आप ये अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसमें टाइम दे रहे हैं, देन शायद ये सही समय नहीं है, या आप इस टाइम को सही समय तो नहीं कहना चाहिए, इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हो, इसको अभी आप थोड़ा डिले कर सकते हो। बट अगर आप पूरा टाइम ऑपरेशंस में हो, एंड व्हाट आई फील इज मोर देन सेल्स, सेल्स क्लोज करना इज वन थिंग, एंड सेल्स की कॉल्स को प्रोस्पेक्टिंग करना, कोल्ड कॉल करना इज वन थिंग। यू कैन बी गुड एट सेल्स, यू कैन बी अ गुड सेल्स पर्सन। हो सकता है आप जो है सेल्स क्लोज करना मीन्स ऑर्डर्स लेकर आना, सेल्स को ऑर्डर, एक एक कस्टमर के सामने आप बैठ जाते हो तो ऑर्डर लेकर आना वो आपके लिए पॉसिबल है, वो आपके लिए इजी है। बट डू यू फील कि आज इस लेवल पे पहुंचने के बाद आप कोल्ड कॉलिंग करोगे? डू यू फील इस लेवल पे पहुंचने के बाद आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे? यू नीड टू हैव दैट टीम फॉर दिस थिंग। मे बी शायद कुछ टाइम लगेगा उन चीजों को कन्वर्ट होने में, बट वंस दैट मीटर विल वर्क, वंस दैट फनल विल वर्क, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स इन योर बिजनेस।